दोस्तों, क्या आप भी कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन अब हार चुके हैं क्योंकि कोरोना काल के दौरान नौकरियों का क्या हाल है वो हम से और आपसे छिपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कई सालों से अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, लेकिन फिर उनको समझ में आ गया कि नौकरी से कहीं ज्यादा बेटर है अपना बिजनेस शुरू करना। लेकिन बिजनेस को लेकर हर किसी के मन में यही आशंका रहती है कि क्या हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा ना हो कि जो बचा खुचा पैसा था वो भी बिजनेस में डूब जाए। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो कम लागत में शुरू करे जा सकते हैं और अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। इससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह के वीडियोज आप आगे देखना चाहते हैं और कौन कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे बिजनेस की जो एक समय में 80 रुपए में शुरू किया गया था और आज 800 करोड़ का हो गया है। बिजनेस है पापड़ का। मात्र 80 रुपए से शुरू हुआ लिज्जत पापड़ का बिजनेस आज 800 करोड़ का बन चुका है। सोच क्या रहे हैं, घर की महिलाएं या इंटरनेट से तुरंत इस हुनर को सीख डालिए और शुरू कर दीजिए अपना ब्रांड, क्या पता अगला नंबर आपका हो। दूसरा जिस बिजनेस की बात करूंगी वो आजकल ऑनलाइन हो गया है, बात कर रही हूं कोचिंग सेंटर्स की। आजकल नौकरियों में इतनी सैलरी नहीं है जितनी कोचिंग सेंटर्स की कमाई। अगर आपकी भी किसी विषय पर अच्छी पकड़ है तो कुछ बच्चों के साथ एक छोटे से कमरे में भी आप अपने सेंटर की शुरुआत कर सकते हैं। अगला बिजनेस जो आप बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं वो है पॉपकॉर्न का बिजनेस। रेडीमेड पॉपकॉर्न के पैकेट अगर कभी खरीदे हों तो उनकी आसमान छूती कीमतों का अंदाजा आपको होगा। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन मक्के के दानों से ये बनते हैं वो सीजन में काफी सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। आप दुकान से इसे खरीद सकते हैं, पॉपकॉर्न बनाकर बेहतर दामों में बेच सकते हैं। फ्रूट जूस शॉप का भी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आप कम लागत में शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एक जूसर मशीन के साथ आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बगीचे वालों से आपको फल कम कीमत में मिल जाएंगे। आजकल स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता से शायद ही कोई जूस शॉप खाली दिखती हो। इंटरनेट कैफे भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। अगर आप ये आर्टिकल अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर अपने ही इंटरनेट कनेक्शन के साथ पढ़ रहे हैं तो बस एक प्रिंटर और ले आएं। रिजल्ट देखना, सरकारी नौकरियों से संबंधित फॉर्म भरना, जानकारी लेना, एडमिट कार्ड प्रिंट करना आदि जैसे कामों से भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज शॉप, हम सब जानते हैं ये बिजनेस आज की डेट में कितना ज्यादा फल फूल रहा है। आजकल कई सारे ऐसे पेमेंट ऐप हैं जो ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा प्रदान करते हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण परिवेश में कई ऐसे लोग हैं जो मोबाइल शॉप से ही रिचार्ज करना पसंद करते हैं। ऐसे में आप ये सुविधा लोगों को मुहैया कराकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रिचार्ज के अलावा अन्य ऑनलाइन सर्विसेज भी आप अपनी दुकान में उपलब्ध करा सकते हैं। नाश्ते की दुकान को भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में खाने पीने का होश लोगों को कम रहता है। बिना खाए घर से निकल जाना और दफ्तर में भी कुछ ना खाना, ये लोगों की आदत बन गई है। हालांकि ऐसे में अगर रास्ते में कोई बढ़िया सी नाश्ते की दुकान दिख जाए तो बिना रुके लोग रह नहीं पाते, इसलिए चाय नाश्ते का ये बिजनेस आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। सिलाई कढ़ाई की अगर हम बात करें तो सिलाई कढ़ाई हर कहीं किसी भी आप जगह पे खोल लें वो चलेगी ही चलेगी। ये हुनर अगर आप में है तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक छोटी दुकान में कुछ ऑर्डर्स के साथ इसकी शुरुआत की जा सकती है। जैसे जैसे आपकी कारीगरी की धाक जमती जाएगी वैसे वैसे मुनाफे के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और अगर आप में टैलेंट है बोलने का या फिर किसी चीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल है, किसी भी क्षेत्र में आप टैलेंटेड है तो आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं। कुछ लोग बातें कम करते हैं पर सोचते ज्यादा हैं। ऐसे लोग अमूमन कागज या नोटपैड पर अपने विचार उतारते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आप ब्लॉगिंग या हिंदी में कहें तो लेख लिखकर पैसा कमा सकते हैं। बस कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ ये शुरू किया जा सकता है। अगर आप ब्लॉगिंग बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। यूट्यूबर आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है तो आप यूट्यूब पर भी अपना टैलेंट पोर्ट्रे कर सकते हैं। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वीडियोस अपलोड करके काफी पैसा कमाया जा सकता है। ये अविश्वसनीय परंतु सच है कि ऐसा करके लोग करोड़पति बने हैं। हालांकि YouTube पर जमने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, पर अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से दर्शकों की नब्ज पकड़ जाएं और धैर्य रखें तो निश्चित ही आप भी इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं।
अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो फोटोग्राफी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जब से लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आया है, हर कोई फोटोग्राफर बन गया है। हालांकि अगर इस शौक को थोड़ा सीरियसली लिया जाए तो मुनाफे का सौदा हो सकता है। थोड़े से इन्वेस्टमेंट से आप एक DSLR कैमरा ले सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। आजकल वेडिंग शूट्स के लिए फोटोग्राफर्स की भारी डिमांड रहती है। टिफिन सर्विस, ये भी अच्छा ऑप्शन है। आजकल लोग काम के चक्कर में अपने परिवारों से दूर रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो खाना बनाना भी नहीं जानते, वहीं कुछ ऐसे हैं जिन्हें खाना बनाना तो आता है लेकिन बनाने का टाइम नहीं है। ऐसे में टिफिन सर्विस से आप इन लोगों की मदद भी कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। शुरुआत के लिए आप अपने आसपास ही कुछ लोगों को ढूंढ लें जिन्हें इस सुविधा की जरूरत हो। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो कंसल्टेंसी भी आप खोल सकते हैं। अगर आपकी लोगों के बीच पहचान अच्छी है और आपका सोशल सर्कल बड़ा है तो आप अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं। कंपनियां ऐसी कंसल्टेंसीज को नौकरी के लिए सही व्यक्ति तलाशने के लिए संपर्क करती हैं। बदले में इसमें अच्छा कमीशन मिलता है। एक बार फिर से, घूमने के शौकीन और घुमाने के शौकीनों के लिए टूर गाइड एक अच्छा बिजनेस है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर टूरिज्म की संभावना है तो आप एक टूर गाइड के रूप में भी पैसा कमा सकते हैं। आपको इसमें विस्तार से पता होना चाहिए, साथ ही विदेशी भाषाओं का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए जिससे कि टूरिज्म से बातचीत करने में समस्या ना हो। तो ये तमाम वो बिजनेस थे जिसमें आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाने की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के टैलेंट को पोर्ट्रे कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए एज ए टूर गाइड, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी जगह की क्या स्पेशलिटी है, कहाँ घूमने जाया जा सकता है ताकि आपके साथ घूमने वाला आपके साथ कंफर्टेबल फील करे और हाँ, साथ ही साथ उसको ऐसा लगे कि आपको घूमने के साथ साथ उसने कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई हैं जिससे आप आज तक नदारद थे। तो चलिए, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जरूर बताइएगा किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहेंगे। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।